ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। आज अब कुछ ही दिन बचे हैं ईद उल अजहा यानी बकरीद। बकरीद में जानवरों की कुर्बानी को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है फ्लैटों में जानवर काटने की अनुमति नहीं दे सकते हैं और आवासीय सोसाइटी की जमीनों पर इसे पूरी तरह नहीं रोक सकते हैं। साफ सफाई के मूलभूत मानकों को बनाए रखने के लिए ये प्रतिबंध जरूरी है। फिलहाल कोर्ट ने फ्लैटों में जानवरों की कुर्बानी करने पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति एस सी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जी एस पटेल की पीठ ने कहा है, बहरहाल धार्मिक स्थलों और सामुदायिक हॉल के 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर स्थित आवासीय सोसाइटी को निर्देश दे सकता है। सोसाइटी परिसर के बजाय वहां जानवरों की कुर्बानी कर सकते हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मुमरा में मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्ष असरीन राउत ने एक पत्रकार परिषद बुलाया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये कल हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, जिसमें हाईकोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से सोसाइटियों में जो कुर्बानियां होंगी और कुर्बानी होने के बाद जो गंदगी होती है, तो उसके लिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि भाई आपको अहाता जो है साफ रखना है, नहीं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी। तो इस लिहाज से TMC के अधिकारी और हमारी जो पूरी टीम है, तो इन्होंने क्या क्या किया है, जैसे कि पानी खाता आता है, स्वच्छता निरीक्षक आते हैं, फिर पशु अधिकारी की टीम आती है, तो हम और क्रिस्टल वाले हैं, तो इन सबों ने मिलकर क्या क्या किया है। तो इसके लिए हमने आड़ावा बैठक ली है, क्योंकि हमारे लोकल पब्लिक को भी नुकसान न हो, क्योंकि जब भी हमारी लोकल लोगों को नुकसान होता है तो उसमें फिर हमको बुरा लगता है कि हम लोग प्रतिनिधि हैं और हमारे लोगों को कई नुकसान हुआ है। तो इसके लिए जन जागृति के लिए हमारे लोगों ने क्या क्या किया है, इस पर हमने जो है थोड़ा ये बैठक ली थी। क्योंकि देखो, 2 दिन पहले कहीं ना कहीं हमारी भी खुद की जिम्मेदारियां होती है। 2 दिन पहले के अगर आप हालात देखोगे तो बारिश के पानी की वजह से जहां जहां लोगों के घरों में पानी भरा था, कीचड़ आया था और जो 4-4, 5-5 फुट पानी था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बीमारी फैलने के इम्कान नजर आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने अगर सफाई का ध्यान रखे तो जो होने वाली बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं टल जाएंगी। देखिए, हमने सबके पास जो है 5 जगहों पे हमने स्लेटर हाउस दिए हैं बड़े जानवरों के लिए। बाकी जो है लोकल इलाकों में जो है कुर्बानियां होती है बकरे की, तो सोसाइटी वाइज जो कुर्बानियां होती है वहां पे सफाई के लिए जो गंदगी बकरे की निकलेगी, उसके लिए क्रिस्टल के जरिए से 5-5 गाड़ियां इलाके के हिसाब से रखी गई हैं। और क्रिस्टल के अधिकारी भी जो रहेंगे साथ में, जो 6:30 बजे से हमारे साथ रहेंगे और रात देर तक। आपने सुना, असरीन राउत जो मुमरा प्रभाग समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बकरीद में होने वाले कुर्बानी और उसके बाद गंदगी साफ सफाई को लेकर कहा है, कुर्बानी के बाद साफ सफाई पर ध्यान दें। हाईकोर्ट ने तो पहले ही यानी मंगलवार को कहा है सोसाइटी से कुछ दूर पर कुर्बानी करें, फ्लैट में ना करें। अगर करते हैं और साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। बड़े जानवरों की 5 जगहों पर कुर्बानी होगी। सर्वे नंबर 7880 नादुल फला मदरसा दारुल फला ट्रस्ट तलाव पाली रोड पर होगी और दूसरा सर्वे नंबर 15 हिस्सा नंबर 3 शिमला पार्क स्टेडियम के सामने कौसा में होगी। तीसरा डोंगरी चाल समोर किस्मत कॉलोनी रोड पे होगी और चौथा हुदा पार्क भारत गियर कंपनी के बाजू में होगी और पांचवा भी भारत गियर कंपनी के सामने होगी। इन 5 जगहों पर बड़े जानवरों की कुर्बानी होगी। और भी जगह बढ़ सकती है अगर किसी ने परमिशन लिया तो। इस बकरीद में सबसे ज़्यादा ख्याल रखें साफ सफाई की, नहीं तो कानूनी कार्रवाई उन पर होगी। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।